दोस्तों, इस वक्त एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है और वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि नेटो को एशिया में लेके आया जाए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर वहाँ पे हो सकता है वो इंडिया है। इंडिया पहले अपने आप को रखता है, कहता है हमें किसी की नाराजगी से कोई नहीं, हमें जो चीज़ सस्ती देगा हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। और ओपनली कह रहा है, बिल्कुल ओपनली ओपन चैलेंज करता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, रशिया को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। तो ऑब्वियसली जब उनके पास दम है ना, इंडिया आंखें दिखाएगा, उसके खजाने भी भरे हुए हैं। इंडिया के पास अगर ये एक सिचुएशन मौजूद हो कि वो ऐसे ताल्लुक को बढ़ा सकते हैं और उनके पास ऐसा अलायंस मौजूद हो और हालात पैदा हों, तो वो जरूर बनेंगे। ठीक है जी, और ये पाकिस्तान और के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हम तो फिर हिल भी नहीं सकते। पॉलिसीज है उन लोगों के लिए क्यों बनी हुई है कि स्किल्स पर्सन बाहर जा रहे हैं, अनस्किल्ड पर्सन नहीं जा रहे। हम पासपोर्ट के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास वो बंदे जो जा रहे हैं वो काम के बंदे हैं, हमारे एज कम्पेयर टू हमारे पास नहीं है। इंडिया को बार बार ये ऑफरें कराई जा रही हैं, माजी में भी ये बात हुई है कि इंडिया जो है इसका हिस्सा बने। अमेरिका ये समझता है कि हमें जो चाइना है उसको कॉर्नर करना है, उसको रोकना है। इस्टेब्लिशमेंट है चाहे जो भी है, उनके लिए सबसे पहले इंडिया है, अच्छा। बाकी हर चीज़ बाद के अंदर, हमारे लिए सबसे पहले वो चीज़ है जिधर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई हैं। सही हो गया, ठीक है। उनको पता है कि हमारे काले करतूत वो लाके पूरी दुनिया को दिख, रशिया इज स्टिल अ थ्रेट इन यूरोप के अंदर मौजूद है, लेकिन अमेरिका का थ्रेट चेंज हो गया। अब इस खित्ते में अगर आ जाएं तो इंडिया जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। 1947 में ये चीज नहीं हुई थी, मैं भी आज इंडिया में होता। आज ऐसे फील होता है ना यार, ब्लू पासपोर्ट होते, ऑन अराइवल वीजे मिल जाते, टिकट कटाओ और वहीं पे घूम, मैं इंडियन हूँ, मेरा पासपोर्ट है, टक वीजा लग जाता है। और एटलीस्ट इंडियन जब शॉपिंग करते हैं तो दुबई आते हैं, आप खुद समझो कितनी अमीरी है उनकी, 7,000 का वीजा मिल रहा है, 12,000 की टिकट है, तो और वो सेले लगती है, उतना पैसा बचा के ले जाते हैं। और हमारा क्या है, 1.5 लाख रुपए का आपको टिकट मिलेगा और कोई 70-80 हज़ार रुपये का वीज़ा मिलेगा, वहाँ जाके भी पाकिस्तानी 50,000 रुपये आपको बेड स्पेस की देने पड़ते, तो इतने खर्चे से अच्छा बोले कि घर भी। दोस्तों, इस वक्त एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है और वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि नेटो को एशिया में लेके आया जाए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वहां पे हो सकता है वो इंडिया है। और ये नेटो मेंबर्स इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं कि जो टोक्यो के अंदर जो नेटो को ऑफिस है वो खोलना चाहिए, और ये दैट विल बी ए फर्स्ट एवर, जिसे कहेंगे ना, फुटप्रिंट, वो इंडो पैसिफिक के अंदर आ जाएगा। और ये जो टोक्यो आ रहे हैं, ये इंडिया भी आएंगे। अभी वॉशिंगटन जो है वो नेटो समिट होस्ट कर रहा है, और अमेरिका कहता है कि ये जो आर्टिकल 5 है इस ट्रीटी का, बेसिकली दैट बाइंड्स द एंटायर, ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, ये जो कुछ है, ये चीजें जो हैं अब चेंज हो गई हैं। रशिया इज स्टिल अ थ्रेट इन यूरोप के अंदर मौजूद है, लेकिन अमेरिका का थ्रेट चेंज हो गया। अब इस खित्ते में अगर आ जाएं तो इंडिया जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। इंडिया को बार बार ये ऑफरें कराई जा रही हैं, माजी में भी ये बात हुई है कि इंडिया जो है इसका हिस्सा बने। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम बड़े परेशान हैं कि नेटो ऑफिस जो है वो चाइना के बैकयार्ड में खोल रहा है अमेरिका। याद रखें, फ्रांस विल बी मोर इंटरेस्टेड टू एंगेज विद इंडिया रादर देन जापान, बिकॉज उनको पता है जापान इज अ सोल्ड केस। चाइनीज हैं बड़े स्मार्ट हैं इन इन चीजों में, उनको पता है अगर हमने पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म की बात की तो अमेरिका के पास, अभी देखें ना, अभी अमेरिका इस सारे खित्ते में एक ही बात कर रहा है कि जी देर इज अ वॉर एंड फाइट बिटवीन अथॉरिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड ऑल दिस। ठीक है, इंडियंस जो है ना, इंडियंस को कोई गर्ज नहीं है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं और क्या है, इंडिया को गर्ज है अपने नेशनल इंटरेस्ट से। आजकल अमेरिका इंडिया के बारे में, सारा अमेरिका और बाकी दुनिया में एक ही लिटरेचर लिखा जा रहा है, वो एक ही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता है, उसको वैल्यूज और इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है, आपकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। लेकिन जो मुझे चीज नजर आती है, जो मैं देख रहा हूं, कि इंडिया समहाउ नेटो का मेंबर बनेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। इंडिया के लिए ये जो पोजीशन है ना अपनी, ये अपनी अटोनमी, मुझे ऐसे लगता है, देखिए जितने ज्यादा हाई स्टेक्स अमेरिका के हैं ना,
उतने ही ज्यादा हाई स्टेक्स चाइना के हैं। चाइना बड़ा स्लो एंड स्टेडली ऊपर आ रहा है, लेकिन जो इंडिया बनना चाहता है उसके लिए अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका ये समझता है कि हमें जो चाइना है उसको कॉर्नर करना है, उसको रोकना है। देखिए, द चाइनीज विल ऑलवेज नो दैट दे डोंट वांट टू बी सोवियत यूनियन, दे डोंट वांट टू गेट डिसइंटीग्रेटेड, दे आर नॉट गोइंग टू मेक द मिस्टेक्स विद द सोवियत यूनियन मेड मिस्टेक्स, दे आर गोइंग टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। और उसके लिए वो क्या करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो अपने पहले तो वाले नेबर से वो लड़ते नहीं। सो नेटो जो है ये चाइना पे डिपेंड करता है कि वो अपना थ्रेट लेवल कैसे बढ़ाते हैं, वो कैसे इंडिया को इनसिक्योर करते हैं। अगर वो इंडिया को इनसिक्योर करने में कामयाब हो गए, याद रखें, तो फिर थिंग्स विल नॉट बी द सेम। सो इट्स ओनली टाइम एंड टेबल बताएगा। लेकिन इंडिया के पास अगर ये एक सिचुएशन मौजूद हो कि वो ऐसे तालों को बढ़ा सकते हैं और उनके पास ऐसा अलायंस मौजूद हो और हालात पैदा हों, तो वो जरूर बनेंगे। ठीक है जी, और ये पाकिस्तान और के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चीन तो चलो डील करेगा, गिरेगा जिस तरह, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हम तो फिर हिल भी नहीं सकते। इसका मतलब यही है ना कि अटैक ऑन आर्टिकल 5 के तहत नेटो के एक पे जो अटैक है वो सब पे अटैक। सो हमारे लिए बड़े चैलेंज है। लेट्स सी, वी शुड टॉक मोर ऑन दिस नेटो थिंग, इट्स वेरी सीरियस बिकॉज इट्स कमिंग इन जापान, दे आर ओपनिंग एन ऑफिस, लाइजन बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सो इट मीन्स ये सारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे इधर आ रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो उनका, वो तो इंडिया ही है।